बताना चाहिए कि उस वक्त आप लोग भी लालू यादव जी के साथ थे। सतपाल जी गवर्नर ने बोला कश्मीर से ज्यादा अपराध है जो यहां से गवर्नर गए वो बिहार में, और भारत सरकार का रिपोर्ट कहता है कि बिहार नंबर वन अपराध। बात करनी हो ना नीतीश जी तो आप 15 साल की बात करो। लालू यादव को जनता ने उसकी गुनाह और भूल का सजा दे दिया। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार की सत्ता के लिए सियासत शुरू हो चुकी है और इस मैदान जंग में अब जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं वो उतरने लगी हैं। बात इतिहास की हो रही है, इतिहास की बातें आप जानते होंगे अक्सर वर्तमान में लोगों को परेशानी देती है। आज हमारे साथ जनाधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव हैं। बात इतिहास की हो रही है, उन्हें साफ करना है जो भूरा बाल साफ करो की बात करते थे। साफ शब्दों में मैं बताऊं, मैंने पहले भी कहा कि लालू यादव जी एक मास लीडर थे, एक आवाज़ थे गरीबों के। कई सारे संदर्भ ऐसे राजनीति में आते हैं जब कोई बड़ी घटना घटित होती है तो उस वक्त कई सारे सवाल और कई सारी बातें खड़ी हो जाती है। लालू यादव जी का संदर्भ बिल्कुल दलित गरीब गुरबा समाज के निचले तबकों से था, लेकिन वो जो लाइन थी वो संदर्भ लाइन भूरा बाल वह निश्चित रूप से बहुत ही गलत था। लेकिन सवाल उठता है लालू यादव जी ने जितना आप उठा के देख लो, इतिहास है, सम्मान भूरा बाल वाले को जिनकी बात वो कह रहे हैं दिए, चाहे किसे उठाओ, रघुवंश बाबू, शिवानंद तिवारी, अखिलेश सिंह, आप जिधर भी उठा करके देखो, एक भूल या सही है कि उसे पीछा करती है। लालू यादव जी की भूल जनता ने उसे प्रायश्चित करने का आदेश दे दिया। जनता ने 15 सालों से उन्होंने यदि परिस्थितियों को समझ गए होते तो आज साउथ में जिस तरह लीडर महानायक होते हैं, हिंदी भाषी इलाके में लालू यादव आम आदमी गरीब गुरबा की आवाज़, साउथ से बड़ा हीरो थे, लेकिन छोटी छोटी गलतियां लालू यादव जी के राजनीतिक और सामाजिक परिवेश को सवाल खड़ा किया। मेरा सवाल अभी सत्ता पक्ष उसी मुद्दे को लपका हुआ नहीं, गलत बात, सत्ता पक्ष के पास कुछ नहीं है। नीतीश बाबू, बिहार ये जानना चाहती है और आपको बताना चाहिए कि उस वक्त आप लोग भी लालू यादव जी के साथ थे, सब मिलकर बिहार में जनता दल की सरकार बनाए, फिर आप लोग राजनीतिक महत्वाकांक्षा के रूप में अलग अलग हुए, फिर आपने इस पंचवर्षीय योजना में गले में गले मिले, लालू यादव को महानायक कहा, छोटे भाई बड़े भाई बने। उस वक्त आपके लोगों की गहरी चिंता भूरा बाल से या उनके संपत्ति से, उनके जंगल राज से याद नहीं था। ये जवाब आपको जनता को देना चाहिए,
कि 2 साल पहले आप और लालू यादव जी गठबंधन की सरकार के सबसे बड़े हिस्से थे। और पूरा लालू यादव जी का परिवार मंत्रिमंडल का आपका हिस्सा था। उन्होंने सदन में कहा था इस बात को कि मेरा मानना है कि बिहार को फायदा पहुंचना चाहिए, किसी एक परिवार के लिए सरकार नहीं था, इसलिए हमने गठबंधन। सर मुझे एक बात समझ में नहीं आता है, आपने सरकार बनाई साथ में ना, और भूरा बाल और जंगल राज ये 15 साल आपके सरकार के 10 साल पहले आया था ना, तो आप मान चुके ना इस पंचवर्षीय योजना में कि लालू यादव जी समाज में अंतिम व्यक्ति के अनमोल नेता थे, बेमिसाल नेता थे। आप गठबंधन किया ना, आप जंगल राज से गठबंधन किया ना, तो आप महाजंगल राज हुए ना, आपने भूरा बाल कहने वालों से गठबंधन किया ना, तो आपके भीतर भूरा बाल खत्म करने वाले नीतीश जी, लालू यादव जी ने तो भूरा बाल बोला, आपने तो भूरा बाल वाले को पंचायती राज में खत्म कर दिया, आपने तो राजनीतिक रूप से खत्म। आप जितने जादवों में अपराधी है, लालू यादव से ज्यादा तो आप पाल रहे हो उसको। आप लालू यादव के पास सुरेंद्र यादव हैं, आप उसको अपराधी नहीं कहो, आपके पास तो कई यादव है। 5 मुद्दा याद करो ना, मैं वही तो कह रहा हूं, पटना पेरिस पलायन, इंफ्रास्ट्रक्चर रोजगार फिनिश्ड, सेविका को 700 रुपया, टोला मित्र न्याय मित्र को 400 रुपया, और राजनीति का इस्तेमाल करते हो, किसी को तनख्वाह नहीं, और रोजगार के लिए 1% भी 15 सालों में फैक्ट्री नहीं ला सके। आप बात ये करो ना, दुनिया में निचले प्रधान पर आप हो, बात ये करो ना, आप लालू यादव के सहारे के बदलो जीतने की औकात नहीं है सुशासन बाबू। आपको जीतने के लिए बार बार लालू यादव का सहारा क्यों लेना पड़ता है? आप बात आरक्षण की करो, बात आप करो कि स्कूल और कॉलेज क्यों फिनिश कर दिए तुम, एम्स में डॉक्टर क्यों नहीं है, बात करो कि बाढ़ में क्या हुआ, बात करो विशेष राज लेने का औकात क्यों नहीं हुआ, और विशेष पैकेज डबल इंजन की सरकार के बाद विशेष पैकेज क्यों नहीं, और आपकी कितनी औकात है नीतीश बाबू कि आप पटना यूनिवर्सिटी प्राइम मिनिस्टर से कह के भी नहीं ले सके। और सबसे बड़ा सवाल, 1.25 लाख करोड़ रुपया ले पाए नीतीश जी? बात करनी हो ना नीतीश जी तो आप 15 साल की बात करो, लालू यादव को जनता ने उसकी गुनाह और भूल का सजा दे दिया, अब लालू यादव जो सही में राजनीतिक धरोहर हैं और रहेंगे, वो भूल माफी मांग चुके, अब आप बोलो कि आपने कितना बड़ा गुनाह किया। लालू यादव ने तो भूरा बाल मुंह से किसी बड़े मर्डर या नरसंहार के घटना के चलते फुहर बात कह दिए जो गलत, लेकिन तुमने तो बिहार में जिसको भूरा बाल का वोट लेते हो उसकी राजनीतिक और सामाजिक हैसियत को मिटाने की कोशिश की, ये मेरा चैलेंज है। चैलेंज कहीं ना कहीं दिया रहा है, और आने वाले समय में उम्मीद है जिस तरीके से मुद्दे बनाए जा रहे हैं तो पुरानों मुद्दों से काम नहीं चलेगा, जितने पुराने मुद्दे हैं। प्रशांत किशोर की तरह ही लहजे में पूछ रहे हैं पप्पू यादव कि 1.25 लाख करोड़ का क्या हुआ, पटना पेरिस बनने वाला था क्या हुआ, और क्यों डूब जा रहा है बार बार पटना, विशेष पैकेज हो, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाना हो, विशेष राज का दर्जा दिलाना हो, इन सभी मुद्दों के साथ पप्पू यादव ने मुखर होकर कहा है कि बाहुबली आपके राज्य में भी हैं, उनका क्या? सवाल बहुत सारे हैं, जवाब देखते हैं सत्ता पक्ष को कब तक मिल पाता है, खोज पाते हैं और कब तक दे पाते हैं, इसका इंतजार रहेगा। आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।